तरह तरह के विवादों के बाद एक और विवाद ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को चर्चा में ला दिया है। इस बार मामला मलेशिया से जुड़ा हुआ है। फर्जी पायलटों को लेकर चर्चा में चल रही पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को इस बार मलेशिया में शर्मसार होना पड़ा। क्योंकि मलेशिया ने पीआईए के बोइंग 777 विमान को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया, वो भी मलेशिया की एक स्थानीय अदालत के आदेशों पर। दरअसल पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने साल 2015 में एक वियतनामी कंपनी से बोइंग 777 समेत दो एयरक्राफ्ट लीज पर लिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आदतों के मुताबिक लेने में तो काफी जोश दिखाई, लेकिन जब बात भुगतान की आई तो वो बेचारे बन गए। यानी कि चुकाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, फिर क्या था परिणाम अब दुनिया के सामने है। हालांकि इसके बाद भी पीआईए का कहना है कि मलेशिया का यह कदम अस्वीकार्य है। प्लेन को जब जब्त किया गया तो उसमें पैसेंजर भी सवार थे, एयरक्राफ्ट में स्टाफ के भी 18 सदस्य सवार थे। एयरक्राफ्ट जब्त होने की वजह से स्टाफ और सभी यात्री कुआलालंपुर में फंस कर रह गए। सूत्र बताते हैं कि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। विमान की जब्ती के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कहना है कि पीआईए और यूके कोर्ट में तीसरी पार्टी के बीच लंबित कानूनी विवाद को लेकर एक तरफा फैसला लिया गया है। खैर, अब पाकिस्तान कितना भी हाथ पांव पटक ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर कर्ज लिया है तो उसे समय से चुका देना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। पीआईए ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि सभी यात्रियों की देखरेख की जा रही है और उनकी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। एयरलाइंस ने ट्वीट में कहा है कि यह पूरी तरह से अस्वीकार स्थिति है और पीआईए ने पाकिस्तान की सरकार से कूटनीतिक चैनलों के जरिए इस मुद्दे को उठाने की भी मांग की है। बता दें कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस $4 अरब से ज्यादा के घाटे में चल रही है। कोरोना महामारी की वजह से उड़ान पाबंदी लगने के बाद से ही एयरलाइंस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मई महीने में जब पीआईए की फ्लाइट शुरू हुई थी तो कराची में एक प्लेन क्रैश भी हुआ था। उस प्लेन में 99 लोग सवार थे, जिनमें 97 लोगों की मौत हो गई थी।